ਗੁਰਮਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਯੂਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 338 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਵਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मैं कुंवर अजीत सिंह खालसा, सब तो पहला तो मैं वाहेगुरु जी का शुकराना करांगा जिन्हां ने मैनू फर्स्ट पोजिशन ते आउण दा मान बख्शिया। फिर मैं गुरमत एजुकेशन सोसाइटी का धन्नवाद करांगा जिन्हां ने लॉकडाउन के दौरान एडा वधिया उपराला बच्चों नू गुरमत नाल जोड़न लई कीता। ते फिर मैं एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट का धन्नवाद करांगा। सब तो पहला मैं इतों के समुचे प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद करांगा जिन्होंने सानू मौका दिता है। सो सब तो पहला बेनती है जी, आपां गुरमत एजुकेशन सोसाइटी जो कुछ समय तो काम कर रही है और साढ़े जिहड़े मेन वीर ने जिहड़े ये सेवावां निभा रहे ने, सरदार मनजीत सिंह जी जंडा जो अमेरिका निवासी ने, भैन इंद्रजीत कौर जी अमेरिका वाले और वीर सुखजीत सिंह जी मांगट पोलैंड तो 12 प्रोजेक्टों उत्ते यह संस्था जी काम कर रही है जिद सिखी के प्रचार वास्ते लगभग 20 स्कूलों में असी गुरमत सैमीनार करने, बच्चों के दस्तार कॉम्पीटिशन करवाने और बहुत वधिया तरीके दरख्त लगाने, समाज सुधार काम करने और लोड़वंद बच्चों की जी फीसा ने यह संस्था वालों पे किए जाते हैं। सर वाहेगुरू जी की फतह। गुरमत एजुकेशन सोसाइटी जिसनों के भाई मनजीत सिंह जी USA और सुखजीत सिंह जी पोलैंड वो बड़े सुचजे ढंग नाल चला रहे ने, वो साढ़े समाज वास्ते धार्मिक समाजिक ते होर बहुत लोड़वंद लोकां लई एहो जे कार्ज करदे ने। मैं सब तो पहला तो उन्हां प्रबंधकां नूं वधाई देना हाँ। उस दे नाल ही हुण जिहड़ा इस गुरमत एजुकेशन सोसाइटी ने एक कंपीटिशन ऑर्गेनाइज कराया सी, ऑनलाइन कंपीटिशन जिस दे विच साढ़े स्कूल दे होनहार बच्चे कुंवर अजीत सिंह खालसा ते रन फतेह सिंह जेड़े के दोनों सके भरा ने, इन्हां ने पहला भी बहुत सारे देश विदेश दे कंपीटिशन दे विच पार्टिसिपेट कीता ते पोजिशनां हासिल कीतियां ते हुण भी इन्हां ने कुंवर अजीत सिंह ने फस्ट पोजिशन हासिल कीती है। मैं बहुत बहुत मुबारक देना हाँ। उस दे नाल ही मैं उन्हां प्रबंधकां नूं भी जिहड़े समाज वास्ते इन्नी वधिया कार्ज कर रहे ने उन्हां सब नूं भी मुबारकबाद देना हाँ, सलाघा करदा हाँ उन्हां दे इस कम की कि वह समाज नूं एक बहुत वधिया